शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आए दिन शहर में सड़कों पर थूकने वालों की कोई कमी नहीं है। खर्रा पान खाने वाले जहां मर्जी वहीं पे सड़क पर थूकते नजर आए हैं। अब सड़क पर थूकने वालों की खैर नहीं, ऐसी जानकारी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने देते ही मनपा की एनडीएस की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। देश के साथ साथ शहर और हर परिसर स्वच्छ और सुंदर हो, यह हर किसी को लगता है। इसीलिए कई सामाजिक संस्थाएं एवं जागरूक नागरिक इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, किंतु कुछ ऐसे भी नौजवान साथी हैं जो खर्रा पान तंबाकू खाकर सड़क पर जहां मन चाहे वहीं थूक कर आगे बढ़ लेते हैं, जिससे सड़क से सटे कई फुटपाथ थूकने से लाल रंग की हो गई है। यदि इस प्रकार से खर्रा पान खाने वाले, अब हो जाओ सावधान, क्योंकि आपको पड़ सकता है 1000 का जुर्माना और 1 दिन की सड़क की सफाई करनी होगी। ऐसा आदेश आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने दिया है, जिससे नागपुर की मनपा के एनडीएस की टीम काम करेगी और थूकने वालों पर पैनी नजर रखते हुए जुर्माना ठोक देगी। पिछले कई दिनों से न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड रखे हुए हैं। ये न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड में हमारे यहाँ एक सर्विसमैन जो सैनिक होते हैं उनको हमने अपॉइंट कर दिया है, और जो सारे न्यूसेंसेस है उसमें थूकना भी आ गया, उसमें बाहर टॉयलेट करना आ गया, पेशाब करना आ गया, सब सारे जो न्यूसेंसेस है इस न्यूसेंस पे कितना फाइन करना है वो भी उन्हें डिसाइड करके दिया है। उसके तहत हमारे यहाँ वो काम अभी भी जारी है। अभी जैसे ये कोरोना के कारण थूकने पे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ना थूके, ताकि स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना जो है वो कम से कम हो। तो उस तहत हम एनडीएस के टीम को बोल के ये जो थूकने वाले लोग हैं हमारे यहाँ, खर्रा खा के थूकना, पान खा के थूकना, ये जो आदतें थी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर फाइन भी हमारी तरफ से जो ठहराया गया है मनपा प्रशासन की तरफ से, मनपा की तरफ से वो चार्ज कर रहे हैं। जिस प्रकार से आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने जो कहा था कि यदि कोई सड़क पे थूकते हुए दिखाई देगा तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना, 1 दिन उसे काम करना होगा, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी जी के कक्ष से कैमरा पर्सन सुभाष बुठले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।